नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रधानमंत्री आवास की पूरी सूची कैसे देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको, जिसको क्लिक करने से आपको इस तरह से पेज दिखाई देगा। अब इस पेज में आप चाहें तो गूगल से भी इस पेज में आ सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ गूगल में आपको कैसे आना है इस पेज के। मैं चलिए गूगल खोल लीजिए, उसके बाद यहाँ आप टाइप कीजिए www.theonlineinformation.in। ठीक है, इस तरह से आप टाइप कर दीजिए और फिर सर्च कीजिए। इस तरह से देख सकते हैं, फर्स्ट में आएगा, लिखा रहेगा स्कीम गवर्नमेंट जॉब आयुर्वेदिक। इस तरह से इस पेज में एंटर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हरधर भास्कर है और मैं अपने चैनल के माध्यम से शासन की नई नई योजनाओं की जानकारी, जॉब एवं टेक्नोलॉजी संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देता रहता हूं। तो दोस्तों, आपको वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ इस तरह से बटन मिलेगा, उसमें क्लिक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल की घंटी को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी नई नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। अब यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं ऑल इंडिया इन्फो लिखा हुआ दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, चलिए क्लिक कर देते हैं कि हमें, अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये पोस्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। अब इसकी पूरी जानकारी जो है हमारे सामने आ गई है। ठीक है, अब इसको और नीचे करके पूरा पढ़ सकते हैं, बहुत सारी पूरी जानकारी इसमें आवास से संबंधित जानकारी भी है, वीडियोस भी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ही वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें अभी प्रधानमंत्री आवास की सूची निकालनी है। ठीक है, वीडियो में भी हमने बताया है कि किस तरह से निकालना है, तो ये अपडेट सूची हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से निकालना है। तो चलिए ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो लिंक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का नीले कलर में, ठीक है, ये देख रहे हैं दिख रहा है, उसी पे हमको क्लिक करना है। ठीक है, चलिए क्लिक कर देते हैं इस तरह से क्लिक कर दिए। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये देख सकते हैं अलग से पेज ओपन होने वाला है। ठीक है, ये इस तरह से प्रधानमंत्री आवास का जो है साइट जो ओपन हो गया, ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, अब यहाँ हमको प्रधानमंत्री आवास की सूची निकालनी है। ठीक है, अपडेट सूची यहाँ से आपको मिलने वाला है प्रधानमंत्री आवास की सूची। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख सकते हैं रेड कलर में लिखा हुआ इस तरह से मैसेज आ रहा हुआ है, अपने ग्राम पंचायत का PWL सूची। चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने से हमारे जो आवास की सूची देखना है वो ऑप्शन खोल जाएगा, जहाँ का भी आप देखना चाहते हैं आप वहाँ का निकाल सकते हैं। इस तरह से अब हमें सब स्टेप बाय स्टेप चयन करना होगा जहाँ का हमें आवास सूची देखना है। वैसे ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे सामने पेज आ गया। अब जहाँ स्टेट का चयन करना है, जिस स्टेट का देखना है, चलिए चुन लेते हैं। उसके बाद फिर उस स्टेट के सब जिले आ जाएंगे। ठीक है, फिर जिले का चयन करना होगा, जिस भी जिले का आपको सूची देखना है। ठीक है, चलिए स्टेट के बाद अब हम जिला चयन कर लेते हैं। चलिए हम मुंगेली जिला चयन कर लेते हैं, मुंगेली का हमें देखना है। ठीक है, अब मुंगेली जिले के अंतर्गत जितने भी ब्लॉक्स हैं वो हमारे पास सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ब्लॉक है इसके अंतर्गत, जितने भी ब्लॉक हैं हमारे सामने आने वाला है उसमें ब्लॉक का चयन करना होगा। चलिए इस तरह से अब हम ब्लॉक का चयन कर लेते हैं। चलिए तीन ब्लॉक दिखा रहा है, चयन कर लिए जहाँ का देखना है। अब इस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत हैं वो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से हम ग्राम पंचायत का चयन कर लेते हैं। चलिए अब उस ग्राम पंचायत की पूरी सूची हमारे सामने आएगा, यहाँ सिर्फ हमें एक कैप्चा जो है वो भरना है। चलिए ये दोनों को प्लस करके यहाँ पे डालना है कैप्चा कोड। चलिए दोनों प्लस कर दिए, डाल देते हैं, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से सबमिट करने के बाद हमारे सामने इस ग्राम पंचायत की पूरी सूची सामने आ जाएगी, जिसको जिसको आवास मिलना है और मिल चुका है, यानी कि इसी आवास से ही सबको आवास मिलना है, इसी सूची से। इस तरह से देख सकते हैं इस पंचायत का पूरा सूची हमारे सामने आ गया है दोस्तों। इस तरह से आप भी किसी भी ग्राम पंचायत की सूची निकाल सकते हैं पूरे भारत में और देख सकते हैं उसका नाम है कि नहीं है। ठीक है,
चलिए ऊपर आते हैं, ये देख सकते हैं ये सीरियल नंबर है, ये आवास की आईडी है उनका, ठीक है। आईडी को जैसे क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी जानकारी हमारे सामने आ जाएगी कि उसका आवास निर्माण प्रारंभ हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हो गया है तो राशि कितना मिला है, क्या है कैसा है, ये सारी जानकारी हमारे सामने आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, ये रहा उसकी पूरी जानकारी आ गई है, ये देख सकते हैं उसका घर का फोटो जो है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप खींचा गया है। इसका घर जो है कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है इसका घर, इसको पूरा किस्त मिल चुका है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप डायरेक्ट उसके आईडी से क्लिक करके आप देख भी सकते हैं, ठीक है दोस्त। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना जानकारी आपको मैं देने वाला था। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कुछ सवाल होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका निराकरण करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नमस्कार।